25 जुलाई जाए केजरीवाल न्यायिक हेफाजत अवधि वृद्धि होती सीबीआई द्वारा गिरफ मामलें आज दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में शुणी होता सुप्रीमकोर्ट आश्वस्ति मिले सीबीआई मामलें दिल्ली कोर्ट को राय केजरीवाल समस्या किंतु बढ़ाई सुप्रीमकोर्ट जमिन देते भी केजरीवाल जेल रु बाहरी पारिना मद नीति दुर्नीति जड़ित अर्थ हेरफेर मामलें सुप्रीमकोर्ट केजरीवाल को मध्यवर्तीकालीन जमिन प्रदान करते दीर्घ 90 दिन हेब आम आदमी पार्टी सुप्रिमो तिहार जेल रही जस्टिस संजीव खन्ना और दीपक दत्तों द्वारा गठित खंडपीठ अरविंद केजरीवाल का आवेदन सुनानी करते मामला बृहत बेंच को पठा जा केजरीवाल को मध्यवर्तीकालीन जमिन देते सुप्रीमकोर्ट गत मार्च 21 रे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मद दुर्नीति आपराधिक षड्यंत्र रचि अभियोग केंद्रीय अनुसंधानकारी एजेंसी ईडी द्वारा होते गिरफ पुनः आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को गुमराह कर रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो पटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी प्रेयर थी कि आप मेरी अरेस्ट को अवैध डिक्लेयर करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्रेयर पर कोई राहत नहीं दी है, बल्कि इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सील ऑफ अप्रूवल लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के गिल्टी हैं, दोषी हैं, और इसीलिए ये भी कहा कि सेक्शन 19 पीएमएलए की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, इसीलिए आईओ उनको अरेस्ट कर सकते थे। जो आज आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया है वो संविधान की मर्यादा के अनुकूल है और ये निहित है संविधान में कि किसी भी व्यक्ति को बहुत देर तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता जब तक जो इल्ज़ाम है वो सिद्ध ना हो। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह का स्त्रीकरण आजकल कानून का हो रहा है उसके चलते ये आदेश सार्थक है। ये आदेश ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल मामला दर्ज है उसको बिना आवश्यकता के बहुत लंबे समय तक कानूनी हिरासत में या कस्टडी में ना रखा जाए। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।